बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माय नेम इज़ खावर चक विद अनदर न्यू जॉब। सो आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में इंपॉर्टेंट इस वजह से होने वाली है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, और मज़े की बात यह है कि वो जो जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है वो टॉप ऑफ द लिस्ट डिपार्टमेंट में से की गई है, और तादाद भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए इस वीडियो को आपने कम्प्लीट लास्ट तक देखना है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई एम है और अगर आप चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट की जॉब हासिल करके किसी मकाम तक पहुंचना चाहते हैं, देन आप वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने लास्ट से देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं कि जो चैनल स्पेशली इसी पर्पज़ के लिए डेली बेस पे जॉब्स की अपडेट, गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट आती है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि जो भी जॉब है उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, तो ये जॉब्स आई हुई हैं वो किन किन डिपार्टमेंट्स में हैं, उनके क्राइटेरिया क्या है। पहला डिपार्टमेंट है वो आर्मी सिविलियन की जॉब्स हैं, पाकिस्तान आर्मी सिविलियन, पाक आर्मी सिविलियन जॉब्स हैं। जो सेकेंड नंबर पर है वो है जी अटोमिक की जॉब्स आई हुई हैं, और जो थर्ड नंबर पर है वो पुलिस की जॉब्स आई हुई हैं। जी हाँ गाइस, अभी ये जो जॉब्स हैं इनके बारे में आपको आपने चेकआउट कैसे करना है, इनका क्राइटेरिया अप्लाई कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने गूगल पर जाना है और यहाँ पे आपने टाइप करना है RIZQJOBZ.com। ये लिखने के बाद आपने सर्च करना है, आप सर्च करेंगे आपको वेबसाइट मिल जाएगी रिजिक जॉब दिया, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, तो जैसे आप क्लिक करेंगे आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जॉब नज़र आ जाएंगी। इस पर डेली बेस पे और भी जॉब्स आती रहती हैं, आर्मी सिविलियन की जॉब्स हैं, अटोमिक की जॉब्स हैं, उनकी जॉब्स हैं, मैं आपको आगे बता भी चुका हूँ। अब इन जॉब्स की जो मज़े की बात है, बताने का मकसद ये है कि वीडियो इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इस पर हर बंदा अप्लाई कर सकता है। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। इनके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तालीम के हिसाब से देखा जाए तो इन पर प्राइमरी, मिडिल, मैट्रिक, इंटर, बीए और एमएससी तक इस पे बंदा अप्लाई कर सकता है। जी हाँ गाइस, और अगर आप देखें बात एज की तो 18 से 13 के एज के दरमियान जो भी बंदा है वो इस पे अप्लाई कर सकता है। तो इन जॉब की मज़े की बात यह है कि इन पे हर बंदा एलिजिबल हो सकता है और इन पे अप्लाई भी कर सकता है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो आपको rizqjobs.com पे गूगल पे टाइप करके इन वेबसाइट पर आना है, और इन वेबसाइट का आप एक एक चेक कर सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कंप्लीट प्रोसीजर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ गाइस आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू जॉब के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।